क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रजनी अग्रवाल है। मैडम, ये आज राजमा चावल का वितरण हो रहा है, कहाँ हो रहा है और किस संस्था द्वारा कराया जा रहा है? ये IWC मुरादाबाद मिड टाउन के द्वारा कराया जा रहा है, बर्तन बाजार में, और हमारे क्लब से ये कार्य होते रहते हैं। हमने अभी 3-4 महीने पहले शिकंजी वितरित की थी और जिससे लोगों ने बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद दिए, और ये हमने गंगा जी तिगरी धाम पर जाके अनीता भाव जी के डेरे में खिचड़ी वितरण की थी, और ये कार्य हम करते रहते हैं हर दूसरे तीसरे महीने में। मैडम, किस संस्था द्वारा कराया जाता है ये? हम ये इनर व्हील मुरादाबाद मिड टाउन के द्वारा कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ये शिकंजी वितरित की थी और गंगा जी पे खिचड़ी वितरण की थी तिगरी धाम पे। अच्छा, आज मैम मेन उद्देश्य क्या है ये राजमा चावल वितरण करने का? आज बस यही उद्देश्य है कि समाज सेवा का कार्य करने का मन कर रहा था तो हमने सोचा कि ये राजमा चावल वितरित किए जाए। अच्छा, कितनी टीम है आपकी? ये हमारे क्लब में 50 मेंबर्स हैं, 50 से ज़्यादा ही हैं, मतलब लगभग 50 हैं। तो इस समय हमारे जो है 10-15 मेंबर उपस्थित हैं जो हम इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं, और मेरे संग में मेरी PDC अनीता भावी जी मेरे संग में हैं जिनके निर्देशन में मैं ये कार्य कर रही हूँ। हटो। क्या नाम है मैम आपका? मैं अनीता रस्तोगी, 5 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। मैडम, आज ये राजमा चावल का वितरण किस जगह हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है? ये अमरोहा गेट पर बर्तन बाजार में कमल इंडिया शॉप के बराबर में हम लोगों ने ये कार्यक्रम का आयोजन रखा हुआ है। किस संस्था द्वारा कराया जा रहा है ये? इनर व्हील क्लब मुरादाबाद मिड टाउन। जागरूक नहीं है, उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? महिलाओं के लिए क्या कहना, मैं तो सोचती हूँ हर बंदे को जागरूक होना चाहिए, जो देश का नागरिक है, भारत में रहता है, उसको जागरूक होना चाहिए अपने दायित्वों के लिए, अपने अधिकारों के लिए और अपने समाज की सेवा करने के लिए। सरकार तो जो कुछ करती है करेगी, लेकिन हम इंसान होके समर्थ होके जितना बन सकता है हमें अपना योगदान देना चाहिए, महिलाओं को भी पीछे नहीं रहना।